विद्यालय परीक्षा समिति के कड़े निर्देश की कदाचार मुक्त परीक्षा होगी वह कहीं न कहीं मुंगेर जिला में विफल साबित हो रहा है। दरअसल मुंगेर जिले में परीक्षा आरंभ होने से पहले ही सोशल मीडिया पर कथित रूप से प्रश्न पत्र वायरल होने की बात सामने आई और तमाम परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी एवं अभिभावक अलग अलग झुंड में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर उसे छोटे से कागज में उत्तर तैयार कर परीक्षार्थी को देते हुए दिखे। बीआरएम कॉलेज माधोपुर, मॉडल उच्च विद्यालय टाउन उच्च विद्यालय, उपेंद्र ट्रेनिंग, जिला स्कूल सेंटर, सभी सेंटरों पर परीक्षार्थी मोबाइल के द्वारा प्रश्न पत्र हल कर उसे पुर्जा तैयार कर अंदर नकल की तैयारी में ले जाते दिखे। अब सवाल उठता है कि परीक्षा केंद्र के बाहर जब पुलिसकर्मी तैनात है, केंद्राधीक्षक तैनात है, तो ये सब वायरल प्रश्न पत्र अगर उत्तर के रूप में तैयार हो रहा है तो यह कौन करवा रहा है और इसके रोकने की जिम्मेवारी किसे है? ईटीवी भारत कथित रूप से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे प्रश्न पत्र की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फेक ही सही। अगर इस तरह के प्रश्न पत्र अचानक वायरल हो जाते हैं और परीक्षा केंद्रों पर यह नज़ारा सामने आता है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो दावे हैं वो परेशान करने वाले हैं, वहीं छात्र वायरल प्रश्न पत्र से परेशान भी हैं। जमालपुर के रहने वाले छात्र रौनक राज ने कहा कि अचानक सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है, जिसके कारण हम छात्र जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं उनकी भी एकाग्रता भंग हो जाती है। वायरल प्रश्न पत्र अमूमन मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग के अभिभावक भी जिद कर पुर्जा के रूप में दे देते हैं। ऐसे में हम लोगों की परीक्षा खराब भी हो सकती है। परीक्षा के पहले इस तरह के वायरल होने वाले प्रश्न पत्र पर प्रशासन को रोक लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी प्रश्न पत्र वायरल जो होता है उसको देखकर कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं पिछले साल का क्वेश्चन कहीं ना कहीं वायरल कर दिया जाता है, जिससे कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा अच्छा हाथ होकर अच्छी क्वेश्चन भी गलत कर देती है। हाँ, इससे परीक्षार्थी को परेशानी और होगी। हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी। जैसे कि मान के चलते ना, कोई क्वेश्चन आया है अच्छा, तो कोई स्टूडेंट तैयारी करके कहीं ना कहीं नर्वस रहता है। लास्ट टाइम कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन देखता है वो उसका आंसर रखने पर ज़्यादा कोशिश करता है, कहीं ना कहीं पिछले वाला फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा भूल जाता है क्योंकि घर से मतलब ये क्वेश्चन टैली करता है परीक्षा में जो आउट होता है मोबाइल पर। बहुत मिनिमम एक दो तीन हो सकता है। ये अंदाज पर चलता है, ये अंदाज पर आता है, अंदाज पर या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन।